बॉलीवुड में सबसे घमंडी हैं ये सितारे, नहीं करते किसी से सीधी मुंह बात। किसी को है सफलता का घमंड तो किसी को अपने पैसों का। सिर्फ फैंस और मीडिया ही नहीं, अपने को स्टार्स के साथ भी कर चुके हैं बुरा बर्ताव। एक ने तो अपने फैन को थप्पड़ तक मार दिया था। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन है। नंबर 5, करीना कपूर। करीना कपूर को कई बार गुस्से में देखा जा चुका है, वो अपने तीखे बर्ताव के लिए अक्सर ट्रोल भी हो जाती है। करीना ने एक बार बिपाशा बासु की काफी बेइज्जती भी की थी, तब से उन्हें लोग घमंडी बोलने लगे। नंबर 4, करण जौहर। फिल्म मेकर करण जौहर बॉलीवुड नेपोटिज्म को लेकर बदनाम है। उन्हें मीडिया और फैंस के प्रति रूखे बर्ताव के कारण ट्रोल भी किया जाता है। यहाँ तक वो बॉलीवुड के कई सितारों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, इसलिए उन्हें भी घमंडी का टैग मिला है। नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी प्रियंका चोपड़ा भी इस लिस्ट से बाहर नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फ्लाइट में किसी पैसेंजर के साथ झगड़ा भी शुरू कर दिया था, और इसके बाद एक्ट्रेस ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था। नंबर 2, सलमान खान। घमंडी सितारों के लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे टॉप पर आता है। वो अक्सर बुरे बर्ताव को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं, फिर चाहे मीडिया और फैंस पर भड़कना हो या फिर बॉलीवुड सितारों पर अपना रुतबा झाड़ना हो, वो कभी पीछे नहीं हटते। नंबर 1 के बारे में जानने से पहले, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कटरीना कैफ। कहा जाता है कि एक बार छोटे बच्चे ने कटरीना कैफ को ऑटोग्राफ मांगा था, जिस पर उन्होंने उस बच्चे को शूटिंग से बाहर भगा दिया था। बताइए कितना बुरा बर्ताव करती हैं ये बॉलीवुड अभिनेत्रियां। आपको सबसे घमंडी कौन लगा कमेंट में जरूर बताएं।